नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीख है 14 जुलाई 2024 और यहां पे 15 जुलाई 2024 के लिए सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एंसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं वीडियो आंसर पसंद है जरूर फीडबैक करें कमेंट करें और आर ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को भी जहाँ पे आपको लाइव मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है याद रखें कोई प्रश्न बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी अगर आप इन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह साहब जरूर कर ले क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी तो चलिए शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं ना बैंक निफ्टी ने बावन के आसपास का क्लोजिंग किया है और क्लोजिंग ठीक है से बावन के ऊपर क्लोज कर रहा है ये भी सही है लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए आपके लिए ध्यान देने की बात है फ्राइडे और थर्सडे वाली कैंडल का जरा ध्यान से आप देखिए यह है फ्राइडे वाली कैंडल और यह है थर्सडे वाली कैंडल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है नजर आ रहा है एक ने नीचे से रिकवरी दिखाया और एक ने ऊपर से रिजेक्शन दिखाया देखिए यहां पे सबक छिपा हुआ क्या है क्या कि ऊपर सेलिंग प्रेशर है और नीचे से बाइंग प्रेशर है है ना तभी तो ये नीचे से विक्स बन गए और ये ऊपर से विक्स बन गया है ना तो ये क्या बोल रहा है कि हम बावन के ऊपर नहीं जान, जा रहे और आपको याद है मैंने ये लेवल आपको लिख के दिया था थर्सडे को भी फ्राइडे के लिए और बुधवार को भी दिया था थर्सडे के लिए कि बावन के ऊपर जाने के बाद ही बड़ी तेजी बनेगी अदरवाइज छोड़ दीजिए नीचे बावन हजार टूटिया और एकवन हजार आठ सौ होल्ड नहीं कर पाया तो गिरावट भी नीचे बनेगा इक्यावन आठ सौ के नीचे और ये दोनों ही चीज नहीं हुआ ना एक बावन हजार आठ सौ के ऊपर गया और निकावन हजार आठ सौ के नीचे लो लगाया बावन हजार दो सौ का जो कि पहला सपोर्ट एरिया था यह बात भी हम लोगों ने किया हुआ था आपने अगर वीडियो देखा होगा तो पता चल गया होगा पहले हम ऑप्शन चेन को देखेंगे जहां पे बावन दो सौ अठहत्तर के आसपास की क्लोजिंग चल रहा है यानी कि एट द मनी बावन हजार तीन सौ पे ट्रेड हो रहा है है ना इस जगह पर अब देखिए अगर हम यहां पर के ऑप्शन डेटा को देखें बावन हजार तीन सौ पर तो आप साफ सुथरा पा रहे हैं कि आठ लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग आठ लाख सत्तर हजार यानी यही वो एरिया है जो मेक और ब्रेक वाला है ठीक है बराबर बराबर यहाँ पर है बावन हजार तीन सौ के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा और ये आपको बावन हजार पांच सौ तक लेके जाएगा पहले जहां पे सवा ग्यारह लाख पुट राइटर है कॉल राइटर इक्कीस लाख बाईस लाख के आसपास में तो बावन पांच सो अभी नजदीकी सब रजिस्ट्रेंस से पहला ये अगर टूट जाता है तब आपको एक बावन हजार आठ सौ वाला जाएगा जो कि फ्राइडे का हाई पॉइंट था बावन और क्योंकि यहाँ पे बावन आठ सौ पर देखते थे तो एक लाख अठारह हजार फुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग नौ लाख लग से ज्यादा है तो बावन सात सौ आठ सौ आते आते दिमाग खराब हो जाएगा वहां से रिजेक्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ तो भाई एकावन आठ सौ सबसे गड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है आप यहाँ पे देखिए आठ लाख बत्तीस हजार इक्नवे हजार है लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो बावन हजार का भी एक सपोर्ट है अठारह लाख तीस हजार सात लाख चालीस हजार है तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बन रहा है और उससे भी पहले बावन वाला यहाँ नौ लाख पुट राइटर कॉल राइटर पांच लाख अस्सी हजार छह लाख पकड़ लीजिए तो अगर ये बावन टूटा तो बावन और बावन टूटा तो इक्कावन हजार इक्यावन हजार आठ बढ़िया सपोर्ट है जहां से बाइंग आने के चांस बन सकता है तो ये ऑप्शन डेटा पीसीआर जीरो पर ऑप्शन से तो हमने देख लिया रिजेक्शन ले रहा है अगर ये कल बावन हजार दो सो के नीचे निकालता है तभी हम पहले सेलिंग करेंगे अदरवाइज सेलिंग करने का कोई जरूरत नहीं है ये बंद हो गया बावन हजार दो सौ के नीचे सिंपल बात पकड़िए बावन हजार दो सौ ये आ गया बावन हजार दो सौ ये मैं लिख लेता हूं या ठीके? तो बावन हजार दो सौ ये वो एरिया है जिसके नीचे अगर ये गिर गया तो रिजेक्शन मिल जाएगा आपको फॉल मिल जाएगा बावन हजार दो सौ के नीचे इसके नीचे ही सेल करेंगे और इस कंडीशन से जो टारगेट है पहला बावन हजार एक से लेके फिफ्टी टू थाउजेंड बावन हजार तक ये एरिया होल्ड नहीं किया तो एक हजार नौ सौ से लेके एक हजार आठ सौ तक के टारगेट बनेंगे और आठ सौ एक सपोर्ट एरिया है तो यहां से बाय का पोजिशन बनाया जा सकता है यानी शॉर्ट का काट के बाय में में है ना पुट ऑप्शन की तरफ आप सेल साइड अगर ध्यान देते हैं तो पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं बावन हजार दो सौ के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पर पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा ये ध्यान रखना है कि इस बार जो है ना बुधवार को छुट्टी है मुहर्रम का सत्रह तारीख है ना तो शायद मंगलवार को इसका एक्सपायरी हो जाएगा मेरे ख्याल से इसलिए कल साइडवेज भी चल सकता है ये भी ध्यान रखिएगा अब मान लेते ये नीचे नहीं आया और ये ऊपर यहाँ से बाउंस कर गया तो देखिए बाउंस होने के चांस बनेंगे बस इतना शॉर्ट कवरिंग तगड़ी वाली हो और आप यहाँ पे देखिए ये एरिया जो जिसके ऊपर आप गए थे और एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बना था इस एरिया पर चलिए मैं यहाँ पर आपको ये दिखाता हूँ इस लाइन को पहले हटाता हूँ आप यहाँ पे देखें इस लाइन को हट गया और ये लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया यानी यही वो एरिया जिसके ऊपर जाने पर आपको मूवमेंट बनता है और वो मूवमेंट आता है वो एरिया बनता है बावन चार सो बावन तीन सौ के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं तो बावन दो सौ के नीचे सेलिंग हो रहा है और बावन चार सौ के ऊपर बाइंग हो रहा है और इस कंडीशन से जो आपको टारगेट बनेगा वो बावन पाँच सौ पहला दूसरा टारगेट बनता है बावन छः सौ और ये दो एरिया अगर टूट जाए तो फिर फाइनल टारगेट आपको बावन आठ सौ की तरफ जाता हुआ दिख सकता है आठ सौ के ऊपर हालांकि ये टिकेगा नहीं आठ सौ के बाद यहां से वापस ये रिजेक्शन ले सकता है कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आप बावन हजार पांच सौ के प्राइस का ले सकते इंडेक्स ऊपर जाने पर कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा सवाल है गैप अप और गैप डाउन का तो अगर हम गैप अप एरिया की बात करें इन केस मान लेते हैं कि गैप अप हो जाता है और ये डायरेक्ट तिरपन हजार पर खुल जाता है संभावना और बावन हजार आठ सौ के बीच में कहीं खुल जाता है यानी तिरपन हजार से बावन हजार आठ सौ के बीच में खुलता है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक है जो कि आपने ऑप्शन डेटा में भी देखा तो के पास कभी भी बाय करने का नहीं होता है रजिस्टेंस के पास हमेशा सेल करेंगे हाँ रजिस्टेंस के ऊपर अगर आधा पौन घंटा टिक गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग होगा और ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सेल ही करना चाहिए टारगेट बावन हजार सात सौ से लेके बावन हजार चार सौ का एरिया फिर आपका काम करेगा नीचे की तरफ में आ सकता है पुट ऑप्शन आप बावन हजार आठ सौ के प्राइस का ले सकते हैं या तिरपन हजार का भी लेके चल सकते हैं इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा और अगर ये गैप अप अपना होके गैप डाउन हो जाता है नीचे खुल जाता है तो नीचे यहाँ पे वो एरिया है जहां से आपको बाउंस आ जाता है और वो एरिया आता है इक्यावन से लेके इक्यावन का जितना नजदीक इसके पास में खुले उतना तेजी से बाइंग पोजीशन बनेगा और इस कंडीशन से टारगेट जो है ऊपर इक्यावन नौ सौ से लेकर बावन हजार चार सौ का बन सकता है कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे आप इस कंडीशन से तो भाई इक्यावन हजार आठ सौ के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर जाने पर कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों विश्लेषण है और जो कि सोमवार के लिए मैंने आपको बताया अब जाके हम लोग निफ्टी को देखेंगे जरा सा कि निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो निफ्टी का लेवल देखने के लिए देखिए निफ्टी जो है 24,500 पे सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी से ज्यादा तेजी का मूवमेंट में ये रहा अब सवाल उठता है कि ये जो ऊपर हाई लगाया है चौबीस के आसपास का तो ये तो देखिए भाई आपका काम बहुत अच्छा इसने किया लेकिन वहां से रिजेक्शन भी तो मिला सौ पॉइंट का लगभग लगभग आपको रिजेक्शन डेढ़ सौ पॉइंट का मिला है अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो रेंज में फंस गया नहीं तेजी अब हमें नहीं करना है कब तक जब तक ये चौबीस हजार को ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करे अब हम तेजी नहीं कर सकते सिंपल समझिए बात है ना ये आप बॉक्स देख रहे हैं ना ये क्या बन गया एक बॉक्स में बन गया है ना बॉक्स में फंस गया तो हम इसी बॉक्स को यूज करेंगे ट्रेड करने के लिए फिलहाल पहले हम लोग ऑप्शन डेटा देख लेते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है 24,500 के आसपास पास में एकदम मनी क्लोज हो रहा है तो आप इस जगह पर अगर आप देखते हैं तो अड़तीस लाख से ज्यादा पुट राइटर कॉल राइटर लगभग साढ़े अड़तीस लाख बराबर बराबर है यानी कि इसी एरिया पे सपोर्ट है इसी एरिया पे रेजिस्टेंस बना रहा है मेक और ब्रेक लेवल इसके ऊपर गया तो तेज शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ भाग जाएगा इसके नीचे गया तो सेल्स आईड कितना ऊपर चौबीस छह सौ जो कि आप हाई प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे दस लाख बीस हजार पुट राइटर है कॉल राइटर अगर देखते हैं तो लगभग तीस लाख के आसपास उनतीस लाख है तो रेजिस्टेंस एरिया भाई यही है अभी मैं चौबीस छह सौ के ऊपर नहीं देखूंगा मुझे तेजी करना होगा तो मैं इसके ऊपर करूंगा और इससे ज्यादा अगर इसके ऊपर करता हो भी तो ज्यादा से ज्यादा मैं सौ पॉइंट का करूंगा सौ भी नहीं बोलूंगा पचास पचहत्तर पॉइंट का ही करूंगा क्योंकि अगर इस एरिया पे आप चौबीस छह सौ पचास के आसपास देखते हैं तो आपको पता ये चल जाएगा कि मुकाबला ही नहीं है चौबीस छः सौ पचास से सात सौ पे अगर मिला के देखें तो लगभग पांच छह लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग लगभग चालीस लाख है तो छह लाख और चालीस लाख बड़ा है ना इसीलिए मैं इसके ऊपर फिलहाल देखूंगा ही नहीं और नीचे की तरफ कहां तक हो सकता है तो अब नीचे की तरफ मैंने कहा कि सपोर्ट उसने ऊपर उठा लिया तो सपोर्ट उठा के उसने चौबीस पर ले आया है ये आप देखिए उन्नीस लाख तीस हजार है कॉल राइटर मात्र यहाँ पे छह लाख है और पहला सपोर्ट चौबीस चार सौ पर बनता है जहां पे साढ़े अट्ठाईस लाख कॉल राइटर है पुट राइटर डबल का मुकाबला पचास लाख है तो चौबीस चार सौ पचास पॉइंट और ऊपर उठा लिया इसने अपना सपोर्ट को तो ये तो डेटा आप दिख गया आपको अब हमें सेल करना है तो सिंपल बात है चौबीस हजार चार सौ पचास के नीचे सेल करिए सेल एस ई डबल एल सेल चौबीस हजार चार सौ पचास के नीचे निकलने पर सेल हो जाएगा और इस कंडीशन से टारगेट चौबीस हजार चार सौ का पहला जो कि पहला सपोर्ट है दूसरा तीन सौ पचास बहुत खराब हालांकि तीन सौ पचास के नीचे नहीं जाना चाहिए अगर जाता है तो चौबीस तीन इसका अंतिम फाइनल सपोर्ट का रूप में निकल के आएगा और यहां से बाउंस होना ही चाहिए कॉल ऑप्शन की तरफ आप सॉरी पुट ऑप्शन की तरफ आप ध्यान देंगे इस कंडीशन से तो 24,450 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा ये निफ्टी का सेल साइड का लेवल है लेकिन अगर यहां से ये बाउंस करता है ऊपर तो भाई मैं अगर बाउंस कर भी जाएगा ना तो भी मैं खरीदूंगा इसके ऊपर बाय मैं चौबीस के ऊपर टिकने पर ही बाय करूंगा उसके पहले मैं बाय नहीं करूंगा और अगर इसके ऊपर टिकता है तो मैं टारगेट भी ज्यादा नहीं देखूंगा चौबीस छ सौ पचास से चौबीस सात सौ बहुत हो गया और वहां से रिवर्ट पोजीशन आ सकता है इस सौ पॉइंट के लिए अगर कॉल ऑप्शन करना है तो चौबीस हजार छह सौ के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है इंडेक्स ऊपर जाने पे यह कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा सवाल है कि गैप अप और गैप डाउन पे सिचुएशन क्या होगा अगर ये गैप अप खुलता है 500 पर सस्टेन कर रहा है तो ये डेढ़ सौ पॉइंट चौबीस सौ पचास से चौबीस सात सौ के आसपास में खुलता है देखिए ये दोनों ही एरिया अभी सेल ऑन राइज है एस है बिल्कुल ओपन होता है तो सेल करे वहां पर और नीचे टारगेट जो आपको मिलेगा चौबीस से लेके 24,500 खराब होने की कंडीशन में चौबीस चार सौ पचास से चौबीस हजार चार सौ तक का फाइनल ठीक है ऑप्शन आप चौबीस हजार छह सौ इंडेक्स नीचे तो ये गैप डाउन हो गया, गया मान लेते हैं और ये नीचे ही चौबीस चार सौ खुलता है अगर ये चौबीस चार सौ के आसपास खुल जाए चौबीस तीन सौ पैंतालीस सबसे अच्छा लेवल है चौबीस तीन सौ अगर इस एरिया पर खुलता है ये चौबीस तीन सौ वाला एरिया पर तब तो यहां से परफेक्टली बाय बनेगा अगर ये चौबीस तीन सौ पे खुलता है तो यहां से तो बाय करना ही चाहिए तीन सौ पचास पे भी आप बाय कर सकते हैं चार सौ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि चार सौ पे खुल के वो अगर नीचे आता है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा और नीचे आने पर ही बाय करने का कोशिश करिएगा टारगेट ऊपर की तरफ चौबीस चार सौ पचास से चौबीस पांच सौ पचास तक के टारगेट आपको मिल सकता है बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है ये चौबीस छह सौ को क्लेम कर ले संभावना कम है कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो चौबीस के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है सोमवार मंडे 15 जुलाई 2024 के लिए अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें कमेंट करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए तो मिलूँ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद